ही समाजवादियों का सिर खिसक गया, उस दिन आप लोगों को छोड़ेंगे नहीं, घर से निकाल निकाल के मारेंगे। याद रखना, अगर आप लोग हमको परेशान करेंगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। ये जिले के एसपी, डीएम, कोतवाल, एसओ सबको मैं कह देना चाहता हूँ, सतर्क हो जाइए, सतर्क हो जाइए। ये योगी के बोलने पे मत चलिए, आप लोगों का जो काम है वो काम कीजिए, जनता का नाश मत कीजिए, हम आपको हिला के रख देंगे। टांगे पर सवार होकर सिर पर गैस सिलेंडर लेकर सगड़ी तहसील पर पहुंचे सपा नेता। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर सपाइयों ने भ्रष्टाचार, महंगाई, कानून व्यवस्था, पुलिस उत्पीड़न, जिला पंचायत व ब्लॉक प्रमुख चुनाव में सरकारी मशीनरी का प्रयोग किए जाने के खिलाफ प्रदर्शन किया और सरकार विरोधी नारे लगाए। बग्घी से पहुंचे सपाइयों ने गैस सिलेंडर लेकर प्रदर्शन किया। सगड़ी से वरिष्ठ नेता शंकर यादव व सुभाष यादव टांगे पर सवार होकर तहसील मुख्यालय पहुंचे। इस दौरान शंकर यादव सर पर गैस सिलेंडर लेकर पहुंचे और उन्होंने कहा कि सरकार ने डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के दामों में बेतहाशा वृद्धि कर दिया है, जिसकी वजह से गरीब, मजदूर, किसान बेहाल है, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वहीं सपा जिला उपाध्यक्ष ओम प्रकाश राय ने कहा कि किसानों का भुगतान नहीं हो रहा है, महंगाई चरम पर है, पुलिस लगातार लोगों का उत्पीड़न कर रही है। सैकड़ों सपा कार्यकर्ताओं ने तहसील पर चलकर प्रदर्शन करते हुए सरकार पर भ्रष्टाचार, पंचायत चुनाव में लोकतंत्र की हत्या, महंगाई आदि को लेकर तहसीलदार सगड़ी विजेंद्र उपाध्याय को विभिन्न मांगों के समर्थन में राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन सौंप कर सरकार पर कार्यवाही की मांग की। बता दें कि कार्यकर्ता सुबह 10 बजे धीरे धीरे तहसील पर पहुंचने लगे। 12 बजे के आसपास दोनों ही विधानसभाओं के सैकड़ों कार्यकर्ताओं द्वारा जमकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस के लोग भी मौजूद रहे। ज्ञापन को पढ़ते हुए विधायक नफीस अहमद ने कहा कि यह सरकार महंगाई, भ्रष्टाचार, पंचायत चुनाव में भाजपा की सरकार द्वारा लोकतंत्र की हत्या की गई है। चारों तरफ लूट, हत्या, बलात्कार, लोगों का उत्पीड़न हो रहा है। सरकार के लोक अधिकारी भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। पीड़ितों को न्याय नहीं दिया जा रहा है, लोगों पर फर्जी मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। इस दौरान ज्ञापन देने वालों में नफीस अहमद, जिला अध्यक्ष हवलदार यादव, जिला उपाध्यक्ष ओम प्रकाश राय, शंकर यादव, विधानसभा अध्यक्ष शिवशाकर यादव, सुभाष यादव सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। धरना प्रदर्शन बहुत ही शानदार रहा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आजमगढ़ के शानदार सांसद, पार्टी नेतृत्व के आह्वान पर प्रदेश के सभी तहसील मुख्यालयों पर समाजवादी पार्टी की विधानसभा कमेटी, पार्टी के वरिष्ठ समाजवादी नेता, पार्टी के सभी सेक्टर प्रभारी, बूथ प्रभारी और हमारे सभी कार्यकर्ता साथी इस धरना प्रदर्शन में भाग लिए हैं। और धरना प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य था उत्तर प्रदेश के अंदर संविधान को तार तार करना, लोकतंत्र की लूट, लोकतंत्र को लूट तंत्र में परिवर्तित करना, पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो उत्पीड़न हुआ है समाजवादी कार्यकर्ताओं का, यही इसी के विरोध में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने फैसला लिया था और सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता तहसील पर उपस्थित होकर के धरना प्रदर्शन किए। सुभाष यादव, आज ये किसान विरोधी सरकार तो ये थी ही, लेकिन ये सरकार लोकतंत्र की हत्या है, हत्या करने वाली सरकार बन गई है। इसके विरोध में अखिलेश जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश जी, उन्होंने हमको निर्देश दिया था कि आप लोग जाके धरना प्रदर्शन कीजिए और इस सरकार को उसका मुंह तोड़ जवाब दीजिए। इसके विरोध में आज हम लोग सगड़ी तहसील में हमारे जिला अध्यक्ष जी हवलदार यादव जी के नेतृत्व में हम सब एकत्रित हुए और अपना ज्ञापन हम लोगों ने सौंपा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सिर्फ किसान विरोधी सरकार नहीं है साथियों, तो ये लोकतंत्र की हत्या करने वाली सरकार है, ये हत्यारी सरकार है। ये हत्यारी सरकार अपने पुलिस मशीनरी के माध्यम से, अपने डीएम एसडीएम के माध्यम से, अपने एसपी कोतवाल के माध्यम से, ये सबका
भक्षक कर रही है, ये सब पूरे सरकार, ये सरकार जो है पूरे उत्तर प्रदेश का नाश कर रही है। मैं कहना चाहता हूँ जिले के एसपी से, जिले के डीएम से और सारे इस पुलिस मशीनरी से कि जो आप लोग इस सरकार के दिशा निर्देश में काम कर रहे हैं वो एकदम गलत है। जिस दिन ये समाजवादी का, जिस दिन समाजवादियों का सिर खिसक गया उस दिन आप लोगों को छोड़ेंगे नहीं, घर से निकाल निकाल के मारेंगे। याद रखना, अगर आप लोग हमको परेशान करेंगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। ये जिले के एसपी, डीएम, कोतवाल, एसओ सबको मैं कह देना चाहता हूँ, सतर्क हो जाइए, सतर्क हो जाइए। ये योगी के बोलने पे मत चलिए, आप लोगों का जो काम है वो काम कीजिए, जनता का नाश मत कीजिए, हम आपको हिला के रख देंगे। जय हिंद, जय समाजवाद। और गोपालपुर दोनों विधानसभा के पदाधिकारी ज्ञापन सौंप रहे हैं, क्या मतलब? देखिए, महंगाई, भ्रष्टाचार और लोकतंत्र की हत्या को लेकर के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश में आज जो है 15 तारीख को तहसील हेडक्वार्टर पर धरना दिया गया है। आज जो देख लीजिए, महंगाई बेशुमार बढ़ती चली जा रही है। गैस सिलेंडर 1000 रुपया, पेट्रोल 100 रुपया पार है और गेहूं क्रय केंद्र पर प्रतिबंधित हो गया और लोकतंत्र की हत्या जिस तरह से की गई है जिला पंचायत चुनाव में और ब्लॉक प्रमुख चुनाव में, ये जब जाए क्या लोकतंत्र में इस तरह का चुनाव की व्यवस्था है? नहीं है, कोसों दूर इसकी जगह नहीं है। लेकिन सरकार जो है ये ज़बरदस्ती ये चुनाव करा करके और लोकतंत्र की हत्या की है। अगर लोकतंत्र को बचाना है तो इस सरकार को उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में आज महंगाई बेशुमार बढ़ी हुई है, किसान परेशान है क्योंकि डीजल से उसको सिंचाई करना रहता है, नहरों में पानी नहीं है, गेहूँ सड़ गया, क्या नाम है उसको, बिका नहीं, औने पौने दाम में 1400-1500-1500 के रेट से किसान ने बिचौलियों को बेचा है और ये तमाम दिक्कतें हैं। लोकतंत्र की इस तरह की हत्या आज तक किसी ने नहीं देखा जो नंगा नाच इस बार हुआ है। गन्ना एक साल हो गया किसानों का चीनी मिल को दिए हुए, उसका पेमेंट नहीं अभी हुआ, कितने गेहूँ जो गए उसका पेमेंट नहीं हुआ और गेहूँ सड़ गए, लोग हाथ पल करके परेशान हैं। गैस सिलेंडर का दाम आसमान छू रहा है, पेट्रोल जो है कितना चला गया, अभी सरकार के कानों जू नहीं रेंग रहा है, ये स्थितियाँ हैं। और अखिलेश यादव जी देश के भविष्य हैं और जनता 2022 में उनको ला करके उत्तर प्रदेश की गद्दी पर बैठाने का काम करेगी। अगर सरकार चेतती नहीं है इसको उखाड़ फेंकेगी। जनता बहुत महान है, जनता का अदालत बहुत महान है, फैसला बहुत सोच समझ के दे देती है, लोग समझ नहीं पाते हैं जनता के बारे में। धन्यवाद। हम ओम प्रकाश राय जिले के उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी के, आज जनहित को देखते हुए समाजवादियों ने तहसील स्तर पर सभी समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन के करते हुए एसडीएम साहब को ज्ञापन देने का काम किया। ये जो सरकार है आप सभी लोग देख रहे हैं कि जन विरोधी सरकार है, ये किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है, नौजवान विरोधी है, बेरोजगारों के साथ जो वादा की उसको ठगने का काम की है। किसी अच्छे काम को ये नहीं बता सकती है सरकार कि आज 5 साल पूरा होने जा रहा है, 2022 में चुनाव होने जा रहा है, ये नहीं बता सकती है कि हमने जनहित में कोई कार्य अच्छा किया या कोई विकास संबंधित निर्माण कार्य किया। समाजवादी पार्टी ने जिस कार्य का शिलान्यास किया था उसका इन्होंने पूरा शिलान्यास करके आज काम भी पूरा नहीं करवा पा रहे हैं। किसानों को छला जा रहा है, गेहूं के केंद्रों पर गेहूं खरीदने की दुर्व्यवस्था को देखते हुए समाजवादियों ने बहुत जिले स्तर पर, तहसील स्तर पर अधिकारियों से बताने का काम किया लेकिन कहीं से अधिकारियों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। किसान परेशान होकर अपने गेहूं को, उसकी दुर्व्यवस्था को रखने को देखते हुए कहीं कहीं परेशानी को देखकर लोकल व्यापारियों को औने पौने दाम पर देने का काम किया। किसानों ने जो गन्ना बोया था, गन्ना देने में दुर्व्यवस्था हुई, गन्ना का कहीं मूल्य मिला नहीं अब तक, रोज धरना प्रदर्शन मिल पर हो रहा है, जिला स्तर पर हो रहा है, कोई सुनवाई नहीं है। ये गूंगी बहरी सरकार है। आज समाजवादियों ने अपने धरने के माध्यम से ये साबित कर दिया है कि आने वाले 2022 में इसको उखाड़ फेंक कर पुनः अपने एक अच्छी सरकार को देते हुए अखिलेश यादव जी की सरकार को बनवाने का काम करें। क्या कहना चाहेंगे आप मीडिया?
देखिए पूरे प्रदेश में सभी तहसीलों पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर धरना प्रदर्शन किया गया। हमारा मुख्य मुद्दा था कि जो पंचायत चुनाव में बड़े पैमाने पर सरकार ने पुलिस और प्रशासन का इस्तेमाल करके जिस तरह से ब्लॉकों पर तहसीलों पर लोगों ने कब्जा करके कब्जा करके लोगों ने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में जबरदस्ती पुलिस का इस्तेमाल किया, प्रशासन का इस्तेमाल किया और जिताने का काम किया। आज इस बात को प्रदेश की पूरी जनता देख रही है। यह सीधे सीधे शासन की गुंडागर्दी है, अराजकता है और यह संविधान और लोकतंत्र की हत्या है। हमारी मांग है कि इसकी जांच करा करके दोषी अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और जहां पर इन लोगों ने अपने तरीके से निर्विरोध करा लिया है वहां के पुनः चुनाव कराए जाए। हम आज देश में प्रदेश में गरीबी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल का दाम बढ़ गया, डीजल का दाम बढ़ गया, सभी सामान महंगे हो गए, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। आज गांव का आदमी उसके पास क्रय शक्ति नहीं रह गई है कि वह बाज़ार में जाकर के कोई अपने उपयोग की सामान खरीद सके। आज चारों तरफ हाहाकार मचा है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, तहसील और थाने पब्लिक को लूट रहे हैं, अधिकारी और कर्मचारी पब्लिक को लूट रहे हैं, शासन में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार व्याप्त है, बड़े पैमाने पर यह डीएम एसपी और सारे अधिकारियों की पोस्टिंग पैसा लेकर हो रही है। आज जिस तरह का ये पूरे प्रदेश में वातावरण बना है, मैं समझता हूँ कि इस तरह कहीं भी नहीं होगा, औरतों की इज्जत भी नहीं बच पा रही। आपने देखा हरदोई में एक महिला को निर्वस्त्र कर दिया गया, तमाम जगहों पर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हो रही है। आज जिस तरह का आपके बगल में ही पलिया में जिस तरह पुलिस ने ये निर्मम तरीके से वहाँ के लोगों का घर गिराया, तहस नहस किया, लूटपाट किया, ये मैं समझता हूँ कि किसी भी सरकार में अब खास करके अंग्रेजी हुकूमत में भी नहीं हुआ होगा। तो आज चारों तरफ ये जो कि सरकार में अराजकता का माहौल है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, आज गुंडा राज कायम है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, मनमाना तरीके से लोकतंत्र को लूट तंत्र बना करके आज इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका समाजवादी पार्टी विरोध करेगी और आने वाले 2022 के चुनाव में जनता इसका जवाब देने का काम करेगी। सर, समाजवादी पार्टी पलिया को लेकर क्या कर रही है? समाजवादी पार्टी सबसे पहले पलिया में 29 तारीख की घटना है, 29 जून की, और 30 जून को मैं गया था और वहाँ से सीधे लाइव हुआ था। सारी चीज़ें जो तोड़फोड़ हुई थी, जो नुकसान हुआ था, मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से अधिकारियों को भी और जनता को भी बताने का काम किया था। और उस समय हम लोगों ने कहा था कि समाजवादी पार्टी चुप नहीं बैठेगी। इसके बाद हमारे नेता आर के चौधरी साहब आए, जो पूर्व मंत्री रहे हैं, 5-5, 6-6 बार मिनिस्टर रहे हैं। इसके बाद अवधेश प्रसाद जी आए, जो हमारे पूर्व मंत्री रहे हैं, 8 बार के MLA रहे हैं, 6 बार के मिनिस्टर रहे हैं, पुराने हमारे नेता हैं। 15 तारीख को राम गोविंद चौधरी नेता प्रतिपक्ष जी आ रहे हैं, 16 को कल आ रहे हैं और निश्चित तौर पर हम लोग इसमें चुप नहीं बैठेंगे। हमारी मांग है कि जिन लोगों ने यह कार्रवाई किया है, जिन लोगों ने दमन किया है, उत्पीड़न किया है, जिस तरह से वहाँ तहस नहस किया, लूटपाट किया है, उनके खिलाफ FIR दर्ज हो, जो नुकसान हुआ उसका मुआवजा दिया जाए और जो औरतों के साथ बदसलूकी की गई उसका कहीं ना कहीं मुआवजा देकर के उनको सम्मानित किया जाए और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।